का दौर गुजरा, दोस्तों जश्ने बहार आया, जमीन शादाब हो उठी, जमाना लालाजार आया। इज्जत मुआब गवर्नर मणिपुर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला साहिबा, सदरे मोहतरम शमशुर रहमान फारूकी साहब, मेहमान खुसूसी जनाब शत्रुघ्न सिन्हा, मेहमान जी वकार जनाब अमरेंद्र खटुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब, शोराए कराम और दोस्तों, जश्न बहार में हम आप सब का इस्तकबाल करते हैं। रक्से मैं तेज करो, साज की लय तेज करो, सूए मैं खाना सफीराने हरम आते हैं। ये जश्न बहार के इस प्रोग्राम में सुनने आया था। हालांकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का उर्दू के मामले में या जुबान के मामले में, भाषा के मामले में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये लैंग्वेज ये जोड़ती है। मैं आप लोगों का और आप मेहमानों का खास ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ एक दो घटना सुना दूंगा। आप समझ सकते हैं कि आज जो हो रहा है मेरे साथ, जिसका मुझे डर था वही हुआ कि मेरा नाम जो है टंग ट्विस्टर है, शत्रुघ्न सिन्हा होना चाहिए, लेकिन हमने फिल्मों में आने के बाद इसको शत्रुघ्न सिन्हा कर दिया। समझा, बात वहाँ ख़त्म हुई, बात वहीं से शुरू होती है। अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग तरह से मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन। मिसाल के तौर पर पंजाबी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आज भी कहते कि आल शत्रुघ्न जैसे पहाड़गंज दरियागंज। बिहारी बोलते हैं हमारे बिहार के लोग, हमारा अपना लाडला है, बबुआ है, और देखिए बाबू शत्रुघ्न सिन्हा आ गए। धन नहीं हूँ भैया, शत्रुघ्न हूँ। कहते देखिए बिहारी बाबू, जो मजा धन में है वो घन में नहीं है, जो होता है चलने दीजिए। पाकिस्तान किसी प्रोग्राम में मुझे पहुँचना था और मैं पहुँचूँ नहीं पहुँचूँ, लेकिन पहुँच गया। और जब पहुँच गया तो ऐसे ही शायरों की महफिल थी और उन्होंने एक्साइटमेंट भी बहुत हुआ कि मैं आ गया। वो दौड़ कर गए और माइक पे जो अनाउंस किया, हमारे शाम के जलसे के सदर महफिल तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, जनाब शत्रुघ्न सिन्हा। हमने कहा भैया अब शत्रुघ्न सिन्हा बनने आए थे। बहरहाल जो भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, आपका हूँ, आपका था और आपका रहूँगा, आपका स्वागत करता हूँ। आइए मुशायरे में हमारे साथ एक नौजवान शायर हैं, गालिबन पहली बार मुशायरा पढ़ेंगे, बम्बई से उनका ताल्लुक है, टेलीविज़न के लिए बहुत से स्क्रिप्ट लिखते हैं, बिल्कुल नौजवान हैं। उनका नाम है हुसैन हैदरी। तो हुसैन हैदरी साहब, मैं आपको बुलाता हूँ और आपसे ये कहता हूँ कि हुस्ने गालिब फिक्रे मीर मेरी कमा का पहला तीर। हुसैन हैदरी तशरीफ लाइए। हम बहुत अदब से, बहुत मोहब्बत से जावेद अख्तर साहब का इस्तकबाल करते हैं। जावेद भाई इधर तशरीफ ले आइए, यहाँ तशरीफ ले आइए। एक शेर है जो शायद मैं आज ही पढ़ सकता हूँ, इसी वक्त ही पढ़ सकता हूँ, मैं उससे शुरू करता हूँ कि पहला मुशायरा है मैं कैसी गज़ल कहूँ, पहला मुशायरा है मैं कैसी गज़ल कहूँ, अपनी गज़ल कहूँ या गैर की गज़ल कहूँ। तो बस वो है। और मैं नज़्म लिखता हूँ, तो एक नज़्म है हिंदुस्तानी मुसलमान करके, तो ये एक लिखी है मैंने कि सड़क पे शाम को चलते वक्त जो अज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई, मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफ़ी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई, मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कॉल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ,
दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ, मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है। वाह वाह वाह, क्या कहना। अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, यीशु के गिरजे मेरे हैं, 100 में से 14 हूँ लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं, मुझे एक नज़र से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ, मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ। वाह 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 वाह, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हुसैन हैदरी, बहुत अच्छी नज़्म सुनाई, आपके लिए बहुत दुआएँ, और साथ में एक मशवरा भी कि कभी इन चक्करों से निकल जाओ तो कहीं इश्क कर लेना, वरना उम्र बेकार की जाएगी। मैं हूं जिस हाल में, ऐ मेरे तनम रहने दे, मैं हूं जिस हाल में, ऐ मेरे तनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूं मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे, कि मैं हूँ जिस हाल में, ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊँगा बम रहने दे, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। अब देखें नज़्म, नज़्म का उन्वान है चलो दिलदार चलो। एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए, किस किस तरह से समझा रहे हैं देखें, कि है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और आखिरी बंद, चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, चांद के पास सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, जिस जगह हम हैं यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। मैं इस मुशायरे में जावेद अख्तर साहब जैसी बड़ी शख्सियत के अलावा आपके लिए किसी को नहीं मानता। जावेद अख्तर साहब इल्म से फिल्म तक जिस रास्तों पे गुजरे हैं, अपने कदमों के निशान छोड़ आए हैं। मैंने आपकी खिदमत में जावेद अख्तर साहब को भेजा है। ख़वातीन और हज़रात, कुछ मुख्तलिफ गज़लों के अशार पेश करता हूँ आपको। अब ये अच्छे हैं कि बुरे ये तो मुझे मालूम नहीं, इसलिए कि ये सारे शेर वो हैं जो मैं पहली बार सुना रहा। जलजला सा कोई लगता है ख्यालों में है, जलजला सा कोई लगता है ख्यालों में है, एक वहशत सी अजब आज गजालों में है, एक वहशत सी अजब आज गजालों में है, एक बुत है कि जो है उड़े हुए एक चट्टान, एक बुत है क्या कहना कि जो है उड़े हुए एक चट्टान, एक जवाब ऐसा, एक जवाब ऐसे छुपा अपने सवालों में है, एक बुत है कि जो है उड़े हुए एक चट्टान, एक जवाब ऐसे छुपा अपने सवालों में है, एक दोस्त ऐसा जिसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं, एक दोस्त ऐसा जिसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं, एक दुश्मन जो मेरे चाहने वालों में है,
वाह 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 वाह, क्या कहना। इसी महफिल में तो बढ़ता था कभी आबे हयात, आज यह क्या हुआ, क्यों जहर प्यालों में है, आग देखी है धुआं देखा है। बहुत अच्छा है। वाह वाह। आग देखी है धुआं देखा है, दोस्तों हमने जहां देखा है, हमने दरियाओं को थमते देखा, हमने दरियाओं को थमते देखा, हमने सहरा को रवां देखा है। बहुत अच्छा है। हमने दरियाओं को थमते देखा, हमने सहरा को रवां देखा है। वाह वाह। पांसा पलटे तो पलट जाते हैं लोग, पांसा पलटे तो पलट जाते हैं लोग, कौन कब क्यों है कहां देखा है। वाह। ये जो वायद हैं इन्हें कल हमने, ये जो वायद हैं इन्हें कल हमने क्या बताएं कि कहां देखा। वाह 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 वाह। ये जो वायद हैं इन्हें कल हमने क्या बताएं कि कहां देखा। कहीं दिन गुजर गया है, कहीं रात कट गई है। चाहूंगी कि आप सबके दिल की बात करूं। कहीं दिन गुजर गया है, कहीं रात कट गई है, ये न पूछ कैसे तुझ बिन ये हयात कट गई। और इसी तरीके से हौसला बढ़ा दीजिएगा, ये शेर खास तौर से हाजिर कर रही हूँ। ये तेरा मिजाज तौबा, ये तेरा गुरूर तौबा। मिसरा उठाइएगा। ये तेरा मिजाज तौबा, ये तेरा गुरूर तौबा, तेरी बज़्म में हमेशा मेरी बात कट गई। अर्ज किया है, मेरी हर एक राह पे तेरा निशान है, मेरी हर एक राह पे तेरा निशान है, मैं जिसमें रह रहा हूं वो तेरा जहान है। वाह वाह। मेरी हर एक राह पे तेरा निशान है, मैं जिसमें रह रहा हूं वो तेरा जहान है। तेरी वजह से मुझको ये दुनिया पसंद थी, तेरी वजह से मुझको ये दुनिया पसंद थी। वाह। जब तू नहीं है साथ तो फिर क्या मकान है। वाह। तेरी वजह से मुझको ये दुनिया पसंद थी, जब तू नहीं है साथ तो फिर क्या मकान है। कहता रहा सितारा वफा पर यकीन लग, कहता रहा सितारा वफा पर यकीन लग, लेकिन यकीन जिस पे है वो तो गुमान है। वाह। मख्ता वो मिर्ज़ा गालिब के हवाले से अर्ज किया है, मिर्ज़ा भी सुन के खुश हुआ होगा हमको आज, मिर्ज़ा भी सुन के खुश हुआ होगा हमको आज, सबको है इससे प्यार ये उर्दू ज़बान है। बहुत अच्छा है। मिर्ज़ा भी सुन के खुश हुआ होगा हमको आज, सबको है इससे प्यार ये उर्दू ज़बान है। आदाब। जिंदा वो तेरे पाने का अरमान अब भी है। वाह। जिंदा वो तेरे पाने का अरमान अब भी है, दिल में हमारे दर्द का तूफान अब भी है। जिंदा वो तेरे पाने का अरमान अब भी है, दिल में हमारे दर्द का तूफान अब भी है। डूबी हुई है नूर में तेरी हर एक अदा, डूबी हुई है नूर में तेरी हर अदा, आई ना तुझको देख के हैरान अब भी है। अब मैं
एक ऐसे नौजवान शायर से गुजारिश करता हूँ कि जिनका ताल्लुक मीडिया से भी है, भोपाल के हैं आलोक श्रीवास्तव। अर्ज करता हूँ कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। क्या कहना, मुझे अपनी दुआओं से नवाजें, बहुत छोटी सी नज़्म और आपकी ज़हमत तमाम। अर्ज करता हूँ कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वाह वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। क्या कहना, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पयंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी छिल मिलाए। वाह, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके। बहुत अच्छा। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। वाह वाह। ये है ABP News, आपको रखे आगे।